गरियाबंद जिला के राजिम मांघी पुन्नी मेला पर शासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी अव्यवस्था देखने को मिल रहा है। राजिम मेला पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, जहां लाखों की संख्या में दर्शनार्थी मेला देखने पहुंचते हैं, साथ ही साधु संतों के लिए भी अलग से जगह आरक्षित किया जाता है, किंतु इस बार कई प्रकार की कमी देखी गई है। जगह जगह शौचालय और मूत्रालय बनाए तो गए हैं, किंतु अधिकांश शौचालय के दरवाजे टूटे पड़े हैं। ऐसे में मेला देखने आने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, खास तौर पर महिलाओं को ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। यहाँ तक कि समाज कल्याण विभाग के स्टॉल में भी एक भी कर्मचारी देखने को नहीं मिला। साधु संतों के अखाड़े की बात करें तो अखाड़ा भी सुना दिखाई दिया। साधु संतों का कहना है उनकी पूछ परख इस वर्ष नहीं की जा रही है, इसलिए अन्य वर्षों की तुलना में नागा साधुओं की संख्या कम देखी गई है, जबकि शासन की ओर से व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा यहां जिस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए उस तरीका से व्यवस्था नहीं की गई है। इस कारण से मेला में आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या भी घटी है और साधु संतों की संख्या भी कमी आई है। देखिए, सुचारू रूप से ये तो भगवान की धर्म ध्वजा होती है, और धर्म ध्वजा के नाते पूरा जूना अखाड़ा ही सहित पूरे भारत विश्व भर से यहाँ साधु संत आते थे, जब उनको सिर्फ मान और सम्मान की आवश्यकता होती है, जो कि मान और सम्मान उनको आदर भाव ना दे करके सरकार अपने राजनीतिक तौर पर ये मेला प्रारंभ रख रही है, जो कि उनको पहले से जो धर्म के स्थापना करके जो भगवान से सदा से चले आ रहे हैं ये मेला को, जो बीजेपी के कार्यकालों में भव्यता दी और अभी के कार्यकाल में उसको फिर से सीमित किया जा रहा है, लेकिन मेला हो रहा है लेकिन उसमें साधु संतों का कोई मान या सम्मान ऐसी कोई विशेष रुचि नहीं दिख रही है। हो तो रहे हैं लेकिन बिल्कुल संक्षिप्त रूप में हो रहे हैं, इसी के कारण ना तो साधु संतों को निमंत्रण दिया जा रहा है, ना किसी को बुलाया जा रहा है, और इस विषय में जो बोला जाए तो सिर्फ ये एक राजनीतिक तौर पर मेला को बना के रखे हुए हैं। तो यानी कि धर्म को स्थापना रखने के लिए साधु संतों को बुलाना जरूरी है और महात्माओं को निमंत्रण दे करके उनको मंच देना चाहिए, उनके आदर भाव करना चाहिए, यह तो बिल्कुल रूप से दिखाई भी नहीं पड़ रही है। और जो साधु संत आ रहे हैं उनकी व्यवस्था में बहुत सी कमी हो रही है, वो पिछले साल भी हुई थी, उससे पहले भी हुआ था, तो उस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिए। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।